हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी सरजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं अपना कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूँगा SSC CGL के क्वेश्चन। ये एग्ज़ाम में, SSC के एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, बट ये SSC के अलावा जो परीक्षाएँ होती हैं, जैसे रेलवे NTPC हो गया, ग्रुप डी हो गया, SSC CCSL हो गया, SSC MTS हो गया, स्टेनो हो गया, आपका ग्रेड CD हो गया, इस तरीके के सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा। आपके UP गवर्नमेंट या अदर स्टेट गवर्नमेंट में भी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरीके से मैं इस वीडियो में आपसे सेलेक्ट किया हूँ, SSC समेत, SSC CGL समेत सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। टॉपिक दोस्तों मेरा इसमें जो है मैं सेलेक्ट किया हूँ पाइप एंड सिस्टम से मैं जो है इस वीडियो में बात किया हूँ, और इसके पार्ट टू को मैं लेके आया हूँ। पार्ट वन में दोस्तों मैं इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ और इसके उसमें दो एक टाइप के क्वेश्चन भी करा चुका हूँ। अगर आपको क्लियर नहीं होगा पार्ट टू में तो आप पार्ट वन देख के पार्ट टू को क्लियर कर दीजिएगा, अपना क्लियर कर लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं इसके कुछ ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूँ जो एग्ज़ाम में 100% पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एग्ज़ाम में 100% आपसे पूछे गए हैं जो क्वेश्चन इसमें लिया हूँ। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा तो इसके कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन दूसरे क्वेश्चन, आपको ये मान के चलिए कि इसके जो मेथड और इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो दूसरे क्वेश्चन पर आपको हेल्पफुल होंगे। तो आप मेरे इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, और आपको मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ जाएंगे मैं जो भी बताऊंगा आपको। ये मान के चलिए कि 100% आपको सियोरिटी है कि मैं समझा जाऊंगा आपको। तो इस तरीके से आप मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरीके से आइए, मैं आपको क्वेश्चन में लेके चलता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ, आइए मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे टाइप 6 है। अभी तक मैं अपने पार्ट 1 वीडियो में टाइप 5 तक क्वेश्चन बता चुका हूँ, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको टाइप 6 को मैं सेलेक्ट किया हूँ, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप ध्यान से देखते रहिए। नल ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, किंतु टंकी का एक छिद्र खुले रहने के कारण भरने वाले नल का एक तिहाई पानी बह जाता है। जी हाँ दोस्तों, छिद्र होने के कारण जो पानी भरता है वो एक तिहाई पानी बाहर निकल जाता है टंकी में छिद्र होने के कारण। इस स्थिति में टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, पूछ रहा है कितने टाइम में इस स्थिति में टंकी को भर देगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आप समय लिखिए। समय बराबर कह रहा है एक नल है, यहाँ पे एक ही टोटी की बात किया जो 12 घंटे में भर सकता है, बट टंकी में छिद्र होने के कारण 1/3 भाग उसका जो है पानी निकल जाता है। तो कितना समय में वो पानी को, कितना समय में टंकी को भरेगा, सीधे सीधे समय बराबर आप 12/1 - 1/3, इस तरीके से आप सीधे सीधे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 - 1/3 से आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 2/3, 12/2/3, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। 2 × 6 = 12, और ये ऊपर जाएगा 3, तो 6 × 3 = 18, इस तरीके से आपको 18 मिनट लगेगा। 18 यहाँ यूनिट है घंटे में, तो आपको 18 घंटे में ये पूरी तरीके से छिद्र होने के कारण ये टंकी को भर देगा। तो आपसे मिला, आपको इसमें आंसर मिला 18 घंटे। कितने समय में कह रहा है भर देगा, 18 घंटे में आपको भर देगा। अगर दोस्तों आपको प्रॉब्लम हो तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ जैसे कि मैं शॉर्ट ट्रिक लिखा हूँ, शॉर्ट ट्रिक के वे में आपको मैं बताता हूँ आपको प्रॉब्लम। मेरा उम्मीद है, मेरा टारगेट रहता है कि आपको प्रॉब्लम ना हो, मैं इस तरीके से बताऊं। और शॉर्ट इसलिए करता हूं ताकि एग्ज़ाम में आपको आसानी हो, जल्दी से आप क्वेश्चन करके हट जाएं। वैसे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, नहीं तो इसके जो और हार्ड तरीके हैं वो भी वही दिए जाते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नॉर्मली आपको दे दिए जाते हैं, आप अगर उसको कर नहीं पाते हैं तो आपका नंबर कट जाता है। इसलिए हर टाइप के आपको क्वेश्चन को जानना और समझना है, ताकि आप कोई तरीका जो है क्वेश्चन का आए किसी तरीके का, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। टाइप 7 है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। टाइप पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 32 मिनट एवं 40 मिनट में भरते हैं, दो नल हैं।
यहाँ दो पाइप हैं, जो एक जो है 32 मिनट ले रहा है, दूसरा 40 मिनट में भरता है। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाएं, तब कितने समय बाद एक को बंद कर दिया जाए ताकि टंकी 20 मिनट में भर जाएगी। दोस्तों यहाँ कंडीशन दे रखा है कि कितने मिनट बाद एक को बंद कर दिया जाए ताकि टंकी पूर्णतः 20 मिनट में भर जाए। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान देना है कि एक ही बात किया है, एक को कितने टाइम तक जो है हमें चलाना है, उसके बाद बंद कर देना है, जबकि 20 मिनट बाद जो है टंकी भर जाए। यहाँ ये भी कंडीशन है कि केवल दोनों नल 20 मिनट तक चलेंगे, उसके बाद टंकी भर जाएगी। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आप केवल इस पार्ट को देखिए, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप इसका एलसीएम निकालिए। तो टी ए 32 मिनट में भरती है, बी जो है 40 मिनट में भरती है, इन दोनों को लोवेस्ट एलसीएम 60 होगा ये मान के चलिए। तो टोटल यूनिट है, टोटल यूनिट मतलब वाटर, इतने इतने टाइम तक ये वर्क करेंगे तो ये 160 यूनिट जो है जल को भर देंगे। तो यहाँ पे आप ऐसा समझिए, आप सीधे सीधे 32 को डिवाइड करेंगे 160 को, तो 5 मिलेगा। ए की एफिशिएंसी ये हो गई, बी की एफिशिएंसी ये हो गई, तो एफिशिएंसी ऑफ ए 4, एफिशिएंसी ऑफ बी 4, एफिशिएंसी ऑफ ए 5 एंड बी 4। तो इस तरीके से उनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। बात यहाँ एक ही कर रहा है, कह रहा है ए जो है 20 कितने मिनट बाद बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पे कह रहा है ए कितने मिनट या कहें एक कब बंद कर दे रहा है, जबकि 20 मिनट तक पूरी कहानी होगी, 20 मिनट तक जो है पानी भरेगा। तो यहाँ बी पे कोई बात नहीं किया है, तो बी सीधे सीधे ये 20 मिनट काम करेगा। बी 20 मिनट भरेगा तो 20 मिनट तक चलेगा, पूरा पूरा बी चलेगा, तो कितना यूनिट जल भर देगा, तो सीधे सीधे 4 × 2 = 8, 80 यूनिट जल को भर देगा। और भर टोटल जो है 160 यूनिट भरना है, तो शेष यूनिट हमें मिला 80। अब इस 80 यूनिट जल को जो है 20 मिनट तक भरवाना है, तो सीधे सीधे 4 मिनट लगे, ये जो है कट गया। तो ये 4 मिनट, जबकि काम टोटल हमें 20 मिनट करवाना है, 20 - 4 = 16। इस 16 मिनट तक जो है ए को हम चलाएं, जैसा कि मैं आप देख सकते हो ये कितने मिनट बाद बंद होगा, समय यहाँ 20 - 4, तो सीधे सीधे 16 मिनट। वैसे अगर मैं बात करूँ ए की एफिशिएंसी यहाँ 5 दे रखी है, अगर सीधे सीधे आप 16 मिनट चलाएंगे 16 × 5 = 80, और इसी 80 शेष को तो ए भर रहा है, इसी 80 को तो ये शेष भर रहा है, तो सीधे सीधे ये 80 शेष भाग बचा है, कौन भरेगा इसको, ए। तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि 16 मिनट तक ए चला और उसके बाद आपका इसको बंद कर दिया गैस, तब दोनों जो है इसको 20 मिनट में पूर्णतः भर दिए। तो आपसे ए की जो है टाइम पूछ रहा है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे ए जो है 16 मिनट चलेगा, उसके बाद बंद कर दिया जाएगा, फिर टंकी पूर्णतः भर जाएगी। आइए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। आप क्वेश्चन समझिए, टाइप समझिए, जो भी आप समझिए ये मान के चलिए ये एक टाइप में हज़ारों क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। टाइप इसलिए लिख दिया हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन की तरीके से और जो क्वेश्चन आएंगे आपसे डाटा बदल के आएगा, बस 30 के बजाय 50, 30 के बजाय 20, 30 के बजाय 10, डाटा बदल के आएगा क्वेश्चन थोड़ा सा। मतलब आपसे ये मान के चलिए अगर एक क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं तो आप 10 तरीके का क्वेश्चन कर सकते हैं, बस आपको डाटा बदल बदल के देगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, दो नल एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट 24 मिनट में भर सकते हैं, तीसरा नल इसे 12 मिनट में खारी कर सकता है। दो नल की बात कर रहा है, तो दो ए और बी जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब यहाँ से है कि ये पानी को इनलेट करते हैं, भरते हैं, और जो सी है वो माइनस है, इसका मतलब ये आउटलेट करता है, ये टंकी को खाली करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि तीसरा नल 12 मिनट में खाली कर सकता है, पहले दो नल 10 मिनट तक खुले रहते हैं, इसके बाद तीसरा नल खोल दिया जाता है, तो बताइए टंकी कितनी देर बाद खाली हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 10 मिनट तक पहले दो नल खुले रहते हैं, उसके बाद तीसरा भी खोल दिया जाता है, तो पूछ रहा है टंकी कितने देर बाद खाली हो जाएगी। आइए मैं आपको इसके सोल्यूशन पे लेके चलता हूँ। आप जहाँ अभी तक ऐसे ही आप इस तरीके का अगर पाइप ए बी सी की बात करें, भरने की बात करें तो आप पॉजिटिव से लेंगे, और निकलने की बात करें तो आप जो है निगेटिव से लेंगे। तो यहाँ कह रहा है ए जो है 30 मिनट और जो है बी 24 मिनट, और ये आपका 12 मिनट में ले रहा है, सी 12 मिनट में खारी कर रहा है, तो सीधे सीधे इनकी लोवेस्ट जो
एलसीएम होगी वो होगी 120, 30 से आप डिवाइड करेंगे 4 मिलेगा, 24 से करेंगे 5 और 12 से करेंगे 10। तो इस तरीके से आप ये चीज़ देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं। यहाँ से प्लस का मतलब ये 4 एफिशिएंसी से भर रहा है, ये 5 एफिशिएंसी से भर रहा है और ये माइनस 10 एफिशिएंसी से खाली कर रहा है। कंडीशन क्वेश्चन में दे रखा है 10 मिनट तक पहले दोनों नल 10 मिनट तक खुले रहते हैं, तो पहले दोनों नल जो है अगर मैं बात करूँ तो ये भर रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी हम यहाँ से समझ सकते हैं। एफिशिएंसी ऑफ बोथ टैप ए एंड बी, यहाँ से ये जो है नौ एफिशिएंसी के साथ जो है काम करेंगे। तो 10 मिनट तक दोनों नल चलेंगे तो 9 × 10 इक्वल टू 90, तो 90 यूनिट जो है ये भर देंगे, ये दोनों 90 यूनिट भर देंगे। अब बात करते हैं कि 30 यूनिट भरना है, फिर सब बच गया 30 यूनिट, लेकिन बात यहाँ होती है इसी के जस्ट बाद तीसरा नल स्टार्ट हो जाता है। अगर तीसरा नल स्टार्ट हो जाता है तो एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी यहाँ पे अगर देखें तो माइनस वन का मतलब अब ये खाली करने लगा, भरने के बजाय 30 यूनिट कौन कहे भरे तो ये खाली करने लगा। अब बात यहाँ से न भरने की बजाय रिवर्स हो गई, खाली करने की, अभी 30 यूनिट भरे कौन, खाली होने की बात हो गई। तो कहने का मतलब 90 यूनिट ही पानी है जिसको ये खाली करेगा, 30 तो पहले से खाली था, जस्ट जैसे तीसरा नल इसमें इंक्लूड हुआ वो यूनिट जो है लेस करने लगा, पानी निकालने लगा। तो सीधे सीधे आप ये समझिए टंकी कितनी देर बाद खाली हो जाएगी। तो हमें अभी तक केवल भरा हुआ पानी का भाग 90 मिला है, इसी 90 यूनिट को वो जो है एक एफिशिएंसी से खाली करेगा तो आपको 90 मिनट मिलेगा। आई बात समझ में दोस्तों? आप यहाँ से बहुत दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सीधे 90 यूनिट अभी तक पानी भरा हुआ मिला है। अब तीसरा नल जैसे चालू होगा, देखो तीसरा नल भी खोल दिया जाता है, एक यूनिट से पानी निकालने लगेगा, आउटलेट करने लगेगा। जब इस 90 यूनिट पानी हमें भरा है तो इसी को तो खाली करना है, तो कितने मिनट में खाली करेगा, सीधे सीधे 90 मिनट में खाली कर देगा। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे टाइप 9 है, नल ए एक टंकी को 25 मिनट में भरता है, नल बी उसी टंकी को 40 मिनट में भरता है, यहाँ दोनों की बात भरने की हो रही, नल सी उसी टंकी को 30 मिनट में खाली कर देता है। जी हाँ दोस्तों, खाली करता है सी। यदि तीनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी या खाली हो जाएगी, आपको बताना है कि ए जो है आपसे 25, बी आपसे 40 और सी 20 मिनट तक जो है चलते हैं। दोनों नल स्टार्टिंग के दोनों नल ए बी भरते हैं, सी जो है खाली करता है। कह रहा है तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएँ तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी या भर जाएगी, आपको बस यही बताना है। तीनों यहाँ पे बात किया है एक साथ खोल दिए जाए, ना कि ए बी 10 मिनट या 5 मिनट या 2 मिनट, ऐसा कुछ नहीं, तीनों एक साथ यहाँ पे खोल दे रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इस भाग को, इसमें आप ये समझिए इन दोनों की लोवेस्ट एलसीएम आएगी 600। अब 25 को आप डिवाइड करेंगे तो 24 और यहाँ पे 40 से डिवाइड करेंगे 15 600 को और 30 से डिवाइड करेंगे तो 20। तो इस तरीके से इनकी अलग अलग इंडिविजुअल जो है कार्य क्षमता आ गई, एफिशिएंसी आ गई। तो यहाँ पे अगर मैं तीनों की बात करूँ, क्योंकि कह रहा तीनों एक साथ खोल दिए जाए, यहाँ पे अब तीनों को एक साथ लेंगे तो यहाँ ये जोड़ेंगे आपको मिलेगा 24 15 39 और यहाँ 20 घटेगा तो आपसे 19, तो 39 से आप 20 घटाएंगे 19 आपको मिलेगा। तो इनकी जो है तीनों की एक साथ जो एफिशिएंसी निकल के आई वो आ गई 19। तो 19 एफिशिएंसी से ये तीनों एक साथ काम करेंगे, लेकिन टोटल यूनिट हमें क्या है, 600 यूनिट जो है भरवाना है। अब पूछ रहा कितने समय में ये, कितने मिनट में ये खाली कर देंगे या भर देंगे, सीधे सीधे आप समय बराबर लिखेंगे इनकी एफिशिएंसी। तो कितना टोटल यूनिट है, 600 × 19। आप सीधे सीधे इसको जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 31 सही 11/19 मिनट, तो आपको ये टोटल जाके इसका आंसर मिला। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आपको, हमें तो नहीं लगता बहुत ज़्यादा टफेस्ट रहा, ये तो आपका बहुत इजी रहा। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। दोस्तों अगर आपको पाइप एंड सिस्टम नल और टंकी में कोई प्रॉब्लम हो रही किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए,
और वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब इसके जो है कुछ और क्वेश्चन मैं पार्ट थर्ड में आपको लेके आऊँगा। दोस्तों अगर आपके ये क्वेश्चन सारे आपके क्लियर हो रहे हैं तो ये मान के चलिए आप लगभग जितने एग्ज़ाम होंगे सबके लिए आप जो है अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो रही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे ज़्यादा टफेस्ट आपसे क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। रही बात आप कितने एक्यूरेसी से इसको इसके आंसर दे सकते हैं, कि हाँ दोस्तों थोड़ी सी पॉइंट आपको बहुत बड़ा जो है खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस वजह से आपके पॉइंट टू पॉइंट जो है क्वेश्चन दिमाग में होने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने चाहिए, तो इस तरीके से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में इतना जो है कम समय रहता है, यहाँ तो आप इजीली पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं, आपके पास मोर टाइम है, बट एग्ज़ाम में आपसे टाइम लिमिटेड हो जाता है। उस समय दिमाग पे डबल प्रेशर होता है, अगर सवाल नहीं आते तो हाइपर टेंशन होता है, दूसरा सवाल मेरा छूटेगा। तो ऐसी गलती ना हो, आप प्रैक्टिस मेक परफेक्ट मैन, आपसे ये मान के चलिए अगर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट रहेंगे। ये सब सवाल आप एलसीएम निकालने में आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन आप ये मान के चलिए अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आपको 40 25 30 का जो है एलसीएम निकालने में मुश्किल से दो सेकंड 3 सेकंड में आप सोच लेंगे कि इसका 600 होगा, 120 होगा, 180 होगा, 300 होगा या कितना होगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरा कहने का मतलब आप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, और आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके हमें पूछिए, और कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आता है तो वो भी पूछिए, आप कमेंट करिए, आपका वेलकम है मेरे चैनल पर। ओके दोस्तों, लास्ट तक बने रहने के लिए मेरे साथ थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।